हेलो फ्रेंड्स, मैं मणि। जैसे आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है स्विमिंग बॉय मणि। दूसरा टेक्निकल लवली मणि। टेक्निकल लवली मणि चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है ब्रीथिंग के ऊपर। मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि पानी में सांस कैसे लें, फिर पानी में सांस कैसे छोड़ें, नाक में पानी चला जाता है, कान में पानी चला जाता है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, फिर भी आज की टिप्स फिर इसके ऊपर ही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, ये उनके लिए जो बहुत ज़्यादा डरते हैं पानी से, मतलब कि उनकी पूरी फटती है पानी से, मतलब कि बस पानी आ गया मैं तो मर जाऊँगा, मुझे दूर ले जाओ पानी से, उनके लिए ये सारी वीडियो। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। ये छोटी छोटी टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना है। तो सबसे पहले, जिसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसने क्या करना है, यहाँ पे उतरना है, इसके पास डंडे के पास उतरना है, ठीक है। उतरते आपको ये पैर पकड़ के रखना, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत डरते हो। ऐसे पकड़ के आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले तो 5 मिनट खड़े रहना और लंबी लंबी सांसें लेनी, जैसे माइंड को रिलैक्स करना। जब आप लंबी सांस लेते हो तो जो माइंड की जो उत्तेजना होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और आपका डर थोड़ा कम हो जाता है, सबसे पहला स्टेप। दूसरी बात कि जब आपने सांस स्टार्टिंग करनी है, फर्स्ट डे है आपका, तो क्या करना है, आपने सिर्फ मुंह नाक बंद करके, चाहे आप ऐसे बंद करो, जैसे मर्जी बंद करो, बंद करके, वैसे आप ऐसे ही सिंपल बस ऐसे सांस को रोक के बस नीचे जाना है 1 सेकंड के लिए, फिर बाहर आ जाना, ये काम करना है आपने। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैंने इसको पकड़ा, यहाँ पानी है, मैं नीचे गया फिर ऊपर आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी थोड़ी थोड़ी सी जो डर की क्षमता है वो एक स्टेप कम हो जाएगी। फिर आपने इसी को 2 सेकंड सांस लेके फिर नीचे जाके फिर ऊपर आ जाना है, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरे पिछले साल की दिया की, तो सेम वैसे करना है। फिर धीरे धीरे क्या करना है, जैसे कि आपको ये चीज़ आ गई, ठीक है, इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर आपने क्या करना है, नीचे जाके सांस भर लेना, आपने ऐसे अपनी चिक्स फुला लेनी है, पूरा मुंह फुला लेना है, ठीक है। फिर नीचे जाकर फूक मारनी है, फूक मारते मारते बाहर आ जाना, ठीक है। इसमें ना तो आपके नाक में पानी जाएगा, ना तो आपके कानों में पानी जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि पहले स्टार्टिंग में 7-8 दिन ये प्रॉब्लम आती है, हमारे कान में पानी जाता है, पर हम इसको ऐसे या ऐसे करके निकाल देते हैं, गर्म पानी निकलता है, या फिर बंद करके ऐसे करते तो कान के पर्दे खुल जाते हैं। पर होता क्या है, बेसिकली वो कान से पानी निकल जाता है, पर कान के पर्दे जो है ना वो गिल्ले हो जाते हैं, कि 7 दिन तक हमें ऐसा महसूस रहता है कि कान में पानी है, वो पानी नहीं, वो पर्दा गिल्ला होता है। ये आपका डाउट दूर हो गया, कान में पानी चला जाए तो क्या करें, ऐसे मारो कान, नाक बंद करके शोर से सांस लेने की कोशिश करो, आपके पानी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब जो पहला स्टेप आपने ये करना है, ठीक है, अगर आपको पानी में मुंह करने में अंदर डर लग रहा है, जैसे कि आपने सांस बंद करके तो आप जा रहे हो पर बुलबुले छोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो आपने क्या करना है, जैसे ये पानी की सतह है तो आपने ऊपर से सिर्फ ऐसी फूंक मारनी है, पानी में मुंह अंदर करके, पानी के अंदर मुंह करके, ठीक है, बुलबुले आएंगे ब्रर, जैसे वो बच्चा ब्रर अगर वो करते हैं ना, वो वाला सिस्टम करना है आपने। एग्जाम्पल के मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि ये पाइप है, आपने इसको पकड़ के मुंह अंदर नहीं डुबाना, सिर्फ इतना इतना फेस अंदर करके ऐसे फूक मारनी है नीचे को, इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और अप हो जाएगा, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद सही एल्गोरिथम पकड़ने के लिए क्या करना है, आपने पहले बाहर प्रैक्टिस करनी, करना मुंह से हवा लेनी है, नाक से छोड़नी है, इसकी अभी स्पीड पे कंट्रोल नहीं करना, बस आपने लेनी है और छोड़नी है, पहले यही करना है। पर इसको ना आप हाथ को रख के करना है, ऐसे मतलब कि आपने हाथ के ऊपर वाले पार्ट से नाक से सांस थ्रो करनी है, सॉरी मुंह से सांस खींचनी है, नीचे जाके नाक से आपने थ्रो करनी है, ठीक है। ये पार्ट आपने प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू, इससे आपका कॉन्फिडेंस और अप हो जाएगा, ठीक है। अभी पानी नहीं है, नहीं तो मैं आपको पानी में समझाता, आपको और अच्छा लगता है, पर ये छोटी छोटी वीडियो में, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। जिनको आती है, जो आती है उनके लिए नहीं है, या जिनको थोड़ी बहुत भी आती है, पर उनके लिए भी ये बेस्ट टिप्स है, ठीक है। पर जो तो एक बार पानी में चला गया, ब्रीथिंग आ गई, उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। ब्रीथिंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पानी में हमारा माइंड शांत रखती है, अगर आपको अच्छे से ब्रीथिंग आती है। तैरना आता है या नहीं आता ये मैटर नहीं करता, पर आपको ब्रीथिंग आती है ना, तो आप जैसे मर्जी पानी में कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हो, ताजो अगर कोई बचाने आ रहा है ना, तो आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आसानी से बाहर जा सकते हो। अगर आपको सांस लेना नहीं आता ना, तो जो आपको बचाने आया तो आप उसके ऊपर चढ़ने लग जाओगे और उसका भी डुबोले बैठोगे, अगर वो हल्का फुल्का आपको उसको बचाना आता होगा तो वो भी डूबेगा, आप भी डूबोगे। अगर कोई प्रोफेशनल होगा उसको तो पता होगा कि आप डुबो रहे हो, तो मैं नीचे जाऊंगा, तो मैं जब नीचे जाऊंगा ये मुझे छोड़ देगा, फिर इसको आराम से मैं पकड़ के इसको बाहर लेके आ सकता हूं, ठीक है। बेसिकली जब हम डूब रहे होते हैं तो हमें नहीं पता हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसके ऊपर जो हमें बचाना होता है, हम ऐसा होता है कि हम सांस लेने के लिए उसके ऊपर आ जाते हैं, ये कॉमन है, इसके ऊपर मैं आपके फॉल्ट नहीं बता रहा, पर ऐसा नहीं करना होता,
आपको क्या करना होता है, आपको इजीली अपना जब आप डूब रहे हो तो आपको फेस ऊपर कर लेना है, चिन को ऊपर कर लेना, ये बात याद रखना, अपने चिन को ऊपर कर लेना जब भी आप डूबो, आपको तैरना नहीं आता, कुछ नहीं करना था, आपको चिन को ऊपर कर लेना है, बस 2 मिनट के लिए माइंड को शांत कर देना। जैसे ही आप चिन ऊपर करोगे, फेफड़ों में जो होती है हवा हमेशा रहती है थोड़ी थोड़ी, तो आपकी बैक अपने आप ऊपर आ जाएगी, पैर नीचे रहेंगे पर बैक ऊपर आ जाएगी, बॉडी को लूज छोड़ देना ऐसे ऊपर में, ठीक है ना, तो अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे। चलते हुए पानी में तो आप आसानी से निकल जाओगे, पर खड़े हुए पानी में थोड़ी दिक्कत होती है, पर उसमें आपको सांस लेने में आसानी हो जाएगी, आप डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं। डूबोगे अगर आप गलती करोगे, जैसे कि क्या होता है कि सोचते हैं कि मैं तो नहर में तैर लेता हूँ गुड़ी गुड़ी करके, तो अब मैं पूल में भी तैर लूँगा, वो जैसे पूल में जाते हैं तो 2 मिनट हाथ मारते हैं, फिर थक जाते हैं, सांस फूल जाती है, फिर डूब जाते हैं। तो ये लक्षण नहीं करने, ये चीज़ आपने नहीं करनी कि फुकरी में कभी भी पानी में नहीं जाना, या एक दूसरे की रीस में पानी में शाल नहीं मारनी तब तक आपको तैरना नहीं आता, जब आप सोचते हो कि ये बस हाथ ही मार रहे हैं हम बाहर आ जाएंगे। खड़े हुए पानी में चलते हुए पानी से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल होता है तैरना, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं किसी को कहूँ कि पूल के अंदर चला जा, उसको तैरना नहीं आता, तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये दीवार है, दीवार से मैं सिर्फ इतना दूर हूँ, अगर मुझे तैरना नहीं आता ना तो मैं यहाँ पे भी नहीं पहुँच पाऊँगा, अगर ये गहरा होगा तो, ठीक है ना, मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरे हाथ पैर मरूंगा, नहीं पहुँच पाऊंगा, ठीक है ना, मैं चाहे ऐसे ऐसे जैसे मर्जी कर लूँ नहीं आ पाऊंगा, पर जब पता होगा कि ना एक हाथ में ऐसे खींच के मरूंगा तो पहुँच जाऊँगा, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलते हुए पानी में ये सीन नहीं होता, चलते हुए पानी में अगर आपको तैरना नहीं आता ना तो आप ऐसे ऐसे भी करोगे ना तो थोड़ी देर बाद आप क्या होते हो, जब पानी सांस में पानी में बंदा अगर डूब जाए तो 12 मिनट तक मरता नहीं है, बेहोश हो जाता है, फेफड़ों में पानी चला जाता है, पर वो मरता नहीं है, आधे घंटे तक भी वो मरता नहीं है, वो पानी निकल के उसको ऑक्सीजन दे के वो बच सकता है, चांसेस होते हैं कि वो बच सकता है काफ़ी हद तक, ठीक है ना, पर 12 मिनट में इंसान मरता नहीं है पानी में, उसके फेफड़े पूरे पानी से भर जाते हैं, अगर टाइम से उसको निकाल के उसके फेफड़ों से पूरा पानी निकाल दिया जाए तो वापस वो जिंदा हो जाएगा, समझ रहे, मतलब कि 3 मिनट तक तो इंसान पानी में सांस वैसे रोक लेता है, पर जो नर्वस होता है उसके हार्ट रेट इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये सिस्टम याद रखना है। तो ब्रीथिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको बहुत डर लगता है कुछ नहीं करना, नाक मुंह बंद करना, चाहे आप ऐसे करके जाओ, पर मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसे करके मत जाओ, आप सिंपल बंद करके जाओ। और एक चीज़ और याद रखना, जब आप पानी में मुंह डुबोगे ना तो आपने ऐसे करके नहीं डुबोना, फेस सीधा रखना, ना ज़्यादा पीछे, ना ज़्यादा पीछे, ना ज़्यादा नीचे, सिर्फ नॉर्मल ऐसे रखना है और ऐसे नीचे जाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे रख के जाओगे तो नाक में पानी जाने के चांसेस रहते हैं 1% तक, ऐसे करके जाओगे, ऐसे नहीं जाना, सिंपल आपने ना करना, नीचे जाना, 1 सेकंड में बाहर आ जाना, ठीक है, ये काम करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद आपने धीरे धीरे फूक से मुंह को सिर्फ नीचे करके इतना डुबो के फूक मारनी है, फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने पानी के नीचे जाके मुंह से ही फूक मारनी है, बाहर आके सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, मुंह से लेना है बाहर आके स्टार्टिंग में, पर बाद में ये सिस्टम आता है कि हमने नाक से छोड़ना है, मुंह से लेना है, नाक से छोड़ना है, मुंह से लेना है, नाक में नीचे जाके पानी में छोड़ना है, ऊपर आके मुंह से लेना है, क्योंकि मुंह हमारा जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा खींच लेता है, जब हम करते हैं, अगर आप पानी में नीचे जाके मुंह से छोड़ोगे तो ज़्यादा छोड़ दोगे और रिकवरी के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। तैरते समय अगर आपको इसी चीज़ की आदत पड़ेगी तो दिक्कत होगी, तैरते समय मुंह से छोड़ोगे मुंह से लोगे तो दिक्कत होगी, दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका गला सूखने लग जाएगा, दूसरी बात कि जब आप सांस थोकोगे आप लेते समय ज़्यादा टाइम लगाओगे, ठीक है ना, और उसमें क्या होगा, अगर आपने अपने कॉम्पिटिशन लड़ना है तो आगे जाके दिक्कत होगी, अगर आपने हल्का फुल्का तैरना फिर जैसे मर्जी सांस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमने इन्जॉय करना है और तैरना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ब्रीथिंग की टिप्स अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके, वैसे तो आप सपोर्ट करते ही हो। तो आज का थंबनेल क्या होना है, मुझे ना पानी के साथ तो थंबनेल का कोई इशू नहीं रहता, अगर ब्रीथिंग बता रहा तो मैं पानी के अंदर जाके कैमरे को अंदर ले जाके शूट करता और उसका थंबनेल आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हम यहाँ पे आई थिंक हम यहाँ पे पकड़ के, ठीक है, ये वाला सीन सही रहेगा पानी में, ये वाला थंबनेल या फिर ये वाला, पानी में सांस कैसे ले पता नहीं मुझे कैसे क्या होगा, पर होगा कुछ तो आई थिंक जिसको लगता है कि मेरे नाक में पानी चला जा, मुँह में चला जाए, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ये जाता ही जाता है, इसका कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे को एक लिखना सिखाते तो उसका पेन टेढ़ा मेढ़ा या एक लंबा या एक छोटा हो ही जाता है, पर धीरे धीरे एकदम सिक्वेंस में आ जाता है, एकदम सही उच्च में आ जाता है। तो बस फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ब्रीथिंग की टिप्स अच्छी लगी हो, और आज पूल में पानी नहीं, कमेंट मत किया करो पूल पर का पानी कहाँ है, आपको भी पता है कोरोना है कि ऐसे सी है जो बार बार कमेंट करते हैं आपका पूल का पानी कहाँ है, ये है वो वगैरह वगैरह वगैरह,
तो आपको ही पता है कोरोना की वजह से पूल नहीं भर रहे, और पूल को एक बार भरने में और खाली करने में बहुत खर्चा आता है। मोटर चलती है कंटिन्यू और इसमें पता नहीं टनों के हिसाब से पानी आता है, पर बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर पानी वो होता ना इसमें, वो ऐसे लोग नहा रहा होता, और संडे को पूरी भीड़ होती है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनेगी देखेंगे।